आगे है रजिस्टेंस इज इन पैरेलल। रजिस्टर मतलब जो चीज़ रजिस्टेंस डाले, रजिस्टेंस उसकी क्वालिटी है, रजिस्टर एडजेक्टिव है, मतलब जो रजिस्टेंस डाले उसको रजिस्टर कहते हैं। तो उनको हम पैरेलल में जोड़ते हैं तब कैसा सर्किट बनता है, जैसे ये सर्किट बनाया हुआ है तो फिगर 12.7 बताई है। नाउ लेट अस कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ थ्री रजिस्टर्स जॉइंड इन पैरेलल। उसको हम पैरेलल में जोड़ें तो क्या होता है, विद ए कम्बिनेशन ऑफ सेल्स फॉर ए बैटरी। सेल भी लगाए हैं, चार सेल लगाए हैं, ऐसे 12.7 फिगर में दिखाया है, पीछे भी है 12.7 फिगर भी थी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर थी ये वाली 12.7 फिगर थी, ठीक है, सेम फिगर दोबारा बनाई है। तो जो तीनों रजिस्टेंस है जो पैरेलल में लगी हैं उनके साथ में ये वोल्ट मीटर है, जो ये इतने जितने वोल्टेज के बैटरी के उतने वोल्ट यहाँ पर शो करेगा, और तीनों में जो एक साथ में पूरा करंट जो शो होगा वो इसके एम्पियर मीटर के द्वारा शो होगा। तो इसमें होगा जो रजिस्टेंसेज, जैसे 10 ओम, 5 ओम, 2 ओम रजिस्टेंसेज अलग अलग हैं, तो इनमें करंट इनका अलग अलग हुआ लेकिन वोल्टेज सभी की सेम होगी, क्योंकि ये जो दो टर्मिनल हैं ये बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये की है आपकी, तो ये है आपकी एक्टिविटी 12.6। मेक ए पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्स वाई ऑफ थ्री रजिस्टेंसेज, एक्स और वाई ये वाले पॉइंट हैं, यहाँ पर तीन रजिस्टेंसेज को हमने जोड़ा है, तो इसके ऊपर पॉइंट हैं यहाँ पर देखिए आप एल, एम, पी, क्यू और एस, टी, ये वाले अलग अलग रजिस्टेंसेज के पॉइंट हैं, ठीक है। तो उसको हम बैटरी से कनेक्ट कर लिया, रजिस्टेंस तीन है हमने हमारी आर वन, आर टू और आर थ्री, तो की भी उसमें साथ में लगा दी है, और एक एम्पियर मीटर भी लगाया है एज शोन इन फिगर 12.10, ये वाली 12.10 फिगर है। आल्सो कनेक्टेड वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद द कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेज, ये जो रजिस्टेंसेज हैं इनके साथ भी ये वोल्ट मीटर लगाया गया है, तो उसमें की को लगाएंगे तो नोट द एम्पियर मीटर रीडिंग, यहाँ पर एम्पियर मीटर की रीडिंग हमें पता चल जाएगी। लेट द करंट बी आई, तो करंट हमारा है आई। आल्सो टेक द वोल्ट मीटर रीडिंग, तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग भी हम लेंगे। इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस वी, ठीक है, अक्रॉस द कम्बिनेशन, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टेंस इज बाई वी, दिस कैन बी चेकड बाई कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रजिस्टेंसेज। हरेक जैसे ये वाले जो पॉइंट दिए हुए हैं एल, एल एम पर, पी क्यू पर और एस टी पर भी अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो सभी में ये सेम वोल्टेज शो करेगा। तो ये जो जहाँ पर करंट इसमें दिखेगा वो इन तीनों का अलग अलग करंट है, ठीक है। जैसे ऐसे ही है, ये पे जैसे एक सड़क है उसके तीन सड़कों में डिवाइड होकर फिर मिल जाती है, एक पे स्कूटर और मोटरसाइकिल जा सकते हैं, दूसरे पे कारें जा सकती हैं, तीसरे पे ट्रक जा सकते हैं, ठीक है। तो पूरा प्रेशर डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों रजिस्टेंसेस को सेम मिल रहा है, लेकिन ट्रैफिक जो है रास्ता तंग है चौड़ा है उसके हिसाब से इनका ट्रैफिक जो होगा वो अलग अलग होगा, तो करंट अलग अलग होगा, वोल्टेज सेम है। आगे ये सर्किट देख लीजिए, इसमें किया है टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, रिमूव द एमीटर एंड वोल्ट मीटर फ्रॉम द सर्किट, इंसर्ट द एमीटर इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस आर वन। हमने यहाँ पर एक एक तार में यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में जो करंट है यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा दिया, यहाँ पर वोल्ट मीटर तो सेम जहाँ जितना है वही है, और इसमें भी एम्पियर मीटर इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, तो हमारे पास तीन करंट आ जाएंगे। तो जो पहले एम्पियर मीटर जो मेन सर्कल में लगा हुआ था, ये वाला जो लगा हुआ था, ठीक है, ये इसका करंट आई है, ठीक है, और इन तीनों के करंट तीन अलग अलग करंट होंगे, तो आई करंट जो होगा वो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री होगा। तो हमारा फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू वी बटा आर, ठीक है, हमारा करंट का फार्मूला क्या होता है, वी बटा आर, ठीक है। तो आई टोटल क्या हो गया, वी बटा आर वन, बी बटा आर टू प्लस ऐसे बी बटा आर वन, बी बटा आर टोटल, आर टोटल रेजिस्टेंस है हमने निकालनी है,
पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला हम बना रहे हैं। तो वी बटा आर पैरेलल इज इक्वल टू वी बटा आर वन प्लस वी बटा आर टू प्लस वी बटा आर थ्री। तो इसमें से वी तीनों में से कॉमन आ गया, ऊपर कॉमन आ गया इसका वी, ये वी से वी कट गया तो हमारा आ गया आर पैरेलल में एक बटा आर, यहाँ पर एक वी की जगह पे वन आ जाएगा, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा वन ओवर आर पी। आर पी मतलब पैरेलल रेजिस्टेंसेज का टोटल, टोटल रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वन ओवर आर पी इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री। ये हमारा 12.18 फार्मूला जो है वो बन गया। दस वी में कंक्लूड दैट रेसिप्रोकल्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज ऑफ ए ग्रुप रेजिस्टेंस जॉइंट इन पैरेलल टू इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी जितनी हर जितनी जैसे ये 10 ओम की, 5 ओम की, 2 ओम की रेजिस्टेंस है तो हम करेंगे 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/8 टोटल। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली रकमों को प्लस करेंगे, बाद में जो इसका तीनों का जो सम आएगा उसको उल्टा करेंगे तो 8 टोटल आएगी हमारी। ठीक है, तो आगे ये एग्जांपल है 12.6 मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ आपको।